हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम मनीष चौधरी। आई होप कि आप सभी हेल्दी होंगे, फिट होंगे, दुरुस्त होंगे और आप सभी हेल्दी और फिट रहें, इसलिए आप सभी के लिए हेल्थ से रिलेटेड वीडियो लेके आता रहता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। आपने देखा होगा कि काफ़ी लोग आपका कन्फ्यूज रहते हैं कि भाई प्रोटीन पाउडर अगर हम खाएंगे तो ही हमारी जो मसल्स है वो अच्छी होंगी, उसमें अच्छी रिकवरी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अपना प्रोटीन आपका नेचुरल आपका जो फूड्स हैं, आपका प्लांट बेस्ड प्रोटीन हो गया, या फिर आपका जो आपका और भी फूड्स हैं, जैसे आपका पनीर हो गया, ठीक है ना, आपका टोफू हो गया, आपका सोयाबीन, आपका चंक्स हो गए, ठीक है ना, आपका चिकन हो गया, अगर आप इनसे भी आपकी जो प्रोटीन की जो नीड है अगर उसको आप फुलफ़िल करते हैं तो फ्रेंड्स आपको अच्छी रिकवरी मिलती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कि आप प्रोटीन पाउडर को ही कंज्यूम करेंगे तो ही आपकी एक अच्छी मसल रिकवरी होगी। क्या हमें प्रोटीन पाउडर खाना ज़रूरी है? क्या हम आपका बिना प्रोटीन पाउडर के अपनी बॉडी को डेवलप नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं अगर आप अपनी एक अच्छी डाइट रखते हैं। आप आपका फूड से ही अगर आपकी जो प्रोटीन की नीड है अगर आप उसे फुलफ़िल करते हैं, आप दिन में आपका 3 या 4 मील लेते हैं तो आप अपनी जो आपकी मसल रिकवरी वो अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, आपका जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो फ्रेंड्स ये भी उन लोगों के लिए ठीक है फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से आपका एक्सरसाइज से जुड़े हुए हैं या इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं। ठीक है, उनकी जो आपका जो प्रोटीन की जो नीड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो आपका वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, उनका एक्टिविटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, तो उनके लिए आपका जो प्रोटीन है ना फ्रेंड्स उसकी नीड थोड़ी ज़्यादा होती है। और जो एक नॉर्मल है जिन्होंने अभी अभी वर्कआउट किया करना शुरू किया है, वो अगर आपका नेचुरल आपका फूड से भी अगर प्रोटीन वो कंज्यूम करते हैं तो फ्रेंड्स उनकी जो मसल रिकवरी है उन्हें वो अच्छी मिलती है। ठीक है ना, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने अगर अभी अभी भी आपका वर्कआउट स्टार्ट किया है, 2 महीने हुए 3 महीने हुए, साल भर भी हुआ है ना, तो फ्रेंड्स मैं आपसे एक पर्सनली आपको सजेशन देना चाहूँगा कि आप अपना जो है ना, आप जितना हो सके आप अपना जो भी आपका जो आपकी प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपका नेचुरली ही उसके फूड से ही आप उसे फुलफ़िल करें तो अच्छा रहेगा। आपका अगर आपका इंटेंसिव वर्कआउट है, ठीक है ना, आपका ऐसे जैसे आपका टाइम बढ़ता रहेगा, आपका अगर वर्कआउट का टाइमिंग बढ़ रहा है, ठीक है ना, आपकी जो स्ट्रेंथ है फ्रेंड्स वो भी बढ़ रही है और आप काफ़ी टाइम दे रहे हैं आपका वर्कआउट को, तो फ्रेंड्स तो आप एक बार सोच सकते हैं कि भाई अब जो है हमारा थोड़ा सा वर्कआउट लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, हमने अपना वर्कआउट लेवल बढ़ाया है और जो हमारी जो आपका प्रोटीन की जो नीड है, ठीक है ना, वो अब ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स आप कुछ फूड से ले सकते हैं, कुछ आप अपना प्रोटीन पाउडर से कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, आपने भी देखा होगा कि जैसे आपका आप जिम करते हैं, जैसे मैं वर्कआउट करता हूँ, तो मैंने देखा है जिन्होंने अभी अभी भी आपका जैसे नए नए लड़के आते हैं या फिर जो अभी नया जिन्होंने ज्वाइन किया होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स, वो भी उन्हें 1 या 2 महीने ही होते हैं फ्रेंड्स, वो भी प्रोटीन को ही कंज्यूम करके चाहते हैं भी अच्छे रिजल्ट मिले। फ्रेंड्स मसल रिकवरी तो आपको अच्छी होगी, लेकिन आपको जो आपकी बॉडी की और आपका जो न्यूट्रिएंट्स की जो नीड है वो आपको अपनी जो आपकी डाइट है फ्रेंड्स उसको भी अच्छा करना पड़ेगा, तभी आपको एक अच्छी रिकवरी आपको मिलती है और आप हेल्दी और फिट आप जो है ना फ्रेंड्स अपनी बॉडी को आप नेचुरली ट्रांसफॉर्म करें, आपको काफ़ी हेल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आपको काफ़ी टाइम हो जाए या आपको ऐसा लगने लगे भाई अब मेरा जो वर्कआउट का जो टाइमिंग है वो बढ़ गया है और मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ गई है, तो फिर आप एक बात सोच सकते हैं कि भाई अब मैं आपका किसी और सोर्स से भी आपका प्रोटीन को कंज्यूम करूँ अपनी डाइट में, वो आपकी खुद की चॉइस है फ्रेंड्स। मेरा जो आपसे पर्सनली सजेशन है वो ये है कि आप अगर आपने अभी स्टार्ट किया है, साल या 6 महीने भी हुए, तो फ्रेंड्स वो प्लीज़ आप अपना जो भी आपकी डाइट है वो आप उसको नेचुरली फॉलो करें और हेल्दी और फिट रहें। चलो बात करते हैं मैं प्रोटीन पाउडर कितने टाइप के होते हैं। फ्रेंड्स प्रोटीन पाउडर 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, और ये फ्रेंड्स आपकी बॉडी या आपके आपका एम के ऊपर है। फ्रेंड्स अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स उसके लिए जो प्रोटीन की जो नीड है फ्रेंड्स वो थोड़े डिफरेंट तरह की होती है। अगर आप एक आपका एक अच्छी फिजिक चाहते हैं या आप मसल रिकवरी चाहते हैं उसके लिए आपका प्रोटीन की नीड अलग है, आपका दूसरे तरह का प्रोटीन होता है। तो चलो फ्रेंड्स बात करते हैं किस तरह के प्रोटीन होते हैं, कि आपका डिफरेंट तरीके। फ्रेंड्स पहला होता है आपका कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन। फ्रेंड्स ये भी आपका मिल्क को ही आपका प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसको आपका कॉन्सेंट्रेट वे प्रोटीन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मिल्क से ही तैयार होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपका दूसरे नंबर का, फ्रेंड्स को बोलते हैं आपका आइसोलेट, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये भी आपका मिल्क से ही प्रिपेयर होता है, इसके अंदर आपको एज कम्पेयर टू आपका कॉन्सेंट्रेट आपको इसके अंदर एक अच्छे अमाउंट में प्रोटीन आपका प्रोटीन का जो परसेंटेज है फ्रेंड्स वो ज़्यादा मिलता है, और आपका कॉन्सेंट्रेट के अंदर आपको 60 से 70% आपको प्रोटीन मिलता है और आइसोलेट में आपको 70 से लेकर 80% तक प्रोटीन ही मिलता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं आपका थर्ड नंबर पे। फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे आपको हाइड्रोलाइज प्रोटीन मिलता है। फ्रेंड्स ये जो प्रोटीन होता है फ्रेंड्स इसे प्रोफेशनल जो होते हैं फ्रेंड्स बॉडी बिल्डर्स हो गए या फिर जो फ्रेंड्स स्टेज परफॉर्मेंस में जो करते हैं फ्रेंड्स वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है ना। फ्रेंड्स ये थे आपका 3 तरह के प्रोटीन जो आपको
आपको आपकी एम के हिसाब से या फिर आपकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है या आपके प्रोफेशन के हिसाब से शूट करते हैं फ्रेंड्स। वैसे मोस्टली जो ज़्यादातर यूज़ होता है फ्रेंड्स वो आइसोलेट ही यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर आप के पास टाइम नहीं है, ठीक है, या आप अपना प्रोटीन की जो आपकी रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स वो ज़्यादा है, आप इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं, तो फ्रेंड्स आइसोलेट आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, आपको कम टाइम में आपका जो प्रोटीन की नीड है उसको फुलफिल करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फ्रेंड्स आप हाइड्रोलाइज के साथ जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप अभी स्टार्ट किया है और आप चाहते हैं कि भाई मैं एक अच्छी रिकवरी कर सकूं, और फ्रेंड्स आप ये सोच रहे हैं कि भाई वो पॉसिबल है कि वो आपका प्रोटीन के आपका जो पाउडर है उससे ही हो सकती है, फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। आप नेचुरल तरीके से भी अगर आप एक अच्छी मील लेते हैं तो फ्रेंड्स आप एक अच्छी रिकवरी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोशिश की थी इस वीडियो में कि जो लोग मानते हैं कि भाई आपका जो फूड से मिलने वाले जो आपका प्रोटीन है फ्रेंड्स उससे हमारे एक अच्छी रिकवरी नहीं मिलती, हमें आपका प्रोटीन जो आपका प्रोटीन पाउडर होता है फ्रेंड्स वो भी अगर हम कंज्यूम करते हैं तभी हमें एक अच्छी रिकवरी मिलती है, तो फ्रेंड्स आप लोगों का ये मानना गलत है। अगर आप फूड से मिलने वाले जो भी सोर्स से जो आपको प्रोटीन मिलता है अगर आप उसे कंज्यूम करते हैं और आपकी जो एक आपका प्रॉपर डाइट प्लान है 3 या 4 मील आपका दिन में जो आप लेते हैं, ठीक है ना, तो फ्रेंड्स आपको एक अच्छी रिकवरी मिलती है, आपके जो मसल रिकवरी है फ्रेंड्स वो भी अच्छी होती है। और फ्रेंड्स जो लोग इंटेंसिव वर्कआउट करते हैं उनकी जो प्रोटीन की नीड है वो आपका फूड के जो मिलने वाले आपका फूड से फ्रेंड्स उनसे फुलफिल नहीं हो पाती, उनका इंटेंसिव वर्कआउट है, एक्टिविटी लेवल ज़्यादा है, तो फ्रेंड्स उनकी आपका उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो आपका पाउडर फॉर्म में भी आपका जो प्रोटीन है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर जो ज़्यादा बिजी हैं जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस किया फ्रेंड्स उनके लिए आपका प्रोटीन पाउडर एक अलग ऑप्शन है फ्रेंड्स, वो इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं तो प्रोटीन पाउडर अगर नहीं लूँगा तो फ्रेंड्स मेरी जो मसल रिकवरी है वो नहीं होगी, तो फ्रेंड्स ऐसा मानना गलत है। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आपका प्रोटीन पाउडर को परचेज़ करना, तो फ्रेंड्स वो भी अगर आपका नेचुरल डाइट से ही अगर अपने जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट अगर उसे वो फुलफिल कर पाते हैं और एक अच्छे डाइट प्लान को फॉलो करते हैं, आपका दिन में 3 या 4 मील लेते हैं और उससे आपको प्रोटीन तो मिलेगा मिलेगा और भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जो आपके जो आपका जो फूड से मिलने वाले जो भी आपके प्रोटीन के सोर्स हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स इस गलतफहमी को अपने दिमाग से निकाल दें कि भाई अगर हम प्रोटीन पाउडर ही कंज्यूम करेंगे तभी हमें एक अच्छी मसल रिकवरी मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप नेचुरल फॉर्म में भी अगर आपका फूड्स को कंज्यूम करते हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिलता है फ्रेंड्स उनसे भी आपको एक अच्छी रिकवरी मिलती है और आप हेल्दी और फिट रहते हैं। तो फ्रेंड्स जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी।